नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एग्जस्ट कूलर मोटर के कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, रिवाइंडिंग करने के बाद मोटर में चार तार निकल आते हैं, दो रनिंग के हैं, दो स्टार्टिंग के हैं, और इनके कनेक्शन आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कॉइल हमने यूज की थी वो ऑलरेडी कनेक्शन वाली थी, अंदर से एक से तीन में कनेक्शन जिसमें हुए रहते हैं वो वाली। और इसकी वाइंडिंग का पार्ट आपने नहीं देखा है, डेटा का पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें आप, ठीक है। हाल ही में हमने अपलोड किए हैं। तो इस तरह से मोड़ ले, देखिए कनेक्शन करने के लिए डबल कर ले ताकि जो जोड़ रहे हो मजबूत होगा, ठीक है। ये चार तार है, दो स्टार्टिंग के दो रनिंग के हैं, सभी को इसी तरह से आपको डबल कर लेना है इस तरह से। ठीक है, चारों तारों को कर लें आप इसी तरह से डबल। तो ये तार देखिए और ये तार देखिए, जो कागज के अंदर की तरफ हैं, दोनों स्टार्टिंग के हैं अंदर वाली कॉइलों के, और जो दो तार हैं वो बाहर वाली रनिंग वालियों की हैं, ठीक है। तो टोटल चार तार हमारे पास हैं, यहाँ पे चार चार कॉइलें डाली गई थी और ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइलें थी एक से तीन में, जिनके कनेक्शन ऑलरेडी हुए रहते हैं। अब इनको हमें छील लेना है, तो माचिस से इस तरह से माचिस की तिल्ली से इसको जलाना और छीलना है। और ध्यान रहे कि तार गिरे नहीं, टूटकर नहीं गिरे, टूटकर वो गिरेगा, एल्यूमिनियम का जो तार होता है वो गिर जाता है। तो इसकी वाइंडिंग जो एल्यूमिनियम की है तो थोड़ा धीरे धीरे से आराम से जलाना है, इस तरह से धीरे से जलाएं। और फिर इसको देखिए छील के दिखाते हैं हम, फिर इसको धीरे से पकड़ के, अभी गर्म है थोड़ा थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको आप छील सकते हैं। तो देखिए इस तरह से वाइट निकल आएगा ये, और इसका पूरा कार्बन जो है वो छुटा लेना है, जो इस पे वार्निश चढ़ा हुआ है इसको छुटा लेना है धीरे धीरे करके। इसी तरह से चारों तारों की वार्निश आपको छुटानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चारों की हम धीरे धीरे करके इसी तरह से छुटा लेते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका नाम है राव जी एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, उस पर हम मोटर रिवाइंडिंग की वीडियोस, डेटा की वीडियो, कनेक्शन की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार फिर से इस पर ढंग से इसको छुटा सकते हैं, किसी पे कार्बन ना छुटा हो तो। ठीक है दोस्तों, अब इस पर एक बार मल्टीमीटर से या एनालॉग मीटर से इसको टेस्ट जरूर कर लें, रनिंग और स्टार्टिंग को, कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो ये रनिंग में मैं लगा रहा हूँ पहले, और ये देखिए सुई पूरी चढ़ गई है, यानी कि रनिंग सही है। अब स्टार्टिंग को भी टेस्ट कर लेते हैं, तो स्टार्टिंग भी यहाँ पर सही आ रही है, ठीक है। और अब इसमें हम स्लीव लेकर, वायर लेकर इसको जोड़ देंगे आसानी से। दोस्तों कनेक्शन के लिए चार तार
आपको चाहिए होंगे, जैसा कि मेरे पास है। देखिए इस तरह से स्लीव, आपको बारीक वाली जो स्लीव होती है तार के ऊपर चढ़ा ले, मजबूती वाली, मजबूती के लिए, सेफ्टी के लिए, नहीं तो तार आपका जो है जल जाएगा और फिर मोटर आपकी जल जाएगी अगर तार जला तो। ध्यान रखिए दो रेड तार ले लीजिए और दो ब्लैक तार ले लीजिए, ब्लैक स्टार्टिंग के लिए और रेड रनिंग के लिए। तो पहले हम रेड जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो तारों को इस तरह से छील लेना है, छील के आपको अच्छे से मजबूती से आपको तार जोड़ने हैं। तो ये है हमारे रनिंग के तार, तो इस पर हम आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप डबल स्लीव लगाना चाहते हैं डबल भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी कोई लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम यहाँ पे सिंगल लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो स्लीव है वो काफ़ी मजबूत स्लीव है और इसके ऊपर आराम से इसको चढ़ा देना है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये स्लीव बहुत ही बढ़िया स्लीव है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हीटिंग भी। अगर आपके पास स्लीव हल्की है, पतली स्लीव, तो आप डबल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये जोड़ लेने हैं। जोड़ने के बाद इस पे भी आपको स्लीव चढ़ा देनी है। बारिश आ चुकी है बाहर, बहुत ही अच्छी बारिश आ रही है और कुछ ही देर में मैं नहाने जा रहा हूँ, तो दो तार और बता दूँ फिर नहा के आता हूँ, क्योंकि बारिश में नहाने का मज़ा कुछ और ही होता है दोस्तों। यहाँ पे ब्लैक तार हैं और इसी तरह से आपको ब्लैक भी जोड़ देना है। तो बहुत ही अच्छी बारिश यहाँ पे आ रही है आज। आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ अभी, एक मिनट रुकिए। तो इस तरह से स्टार्टिंग में आपको लगा देनी है। बाकी काम बाद में करेंगे, पहले बारिश में थोड़ा नहाना जरूरी है। ठीक है, तो ये दो तार यहाँ पे स्टार्टिंग के, दो रनिंग के। अब देखिए कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ बारिश आ रही है। तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छी तरह से बारिश आ रही है और आप देख सकते हैं और मैं नहा के आता हूँ फिर आपको बताएंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे फिर। तो स्टॉप करता हूँ मैं दोस्तों। बारिश में नहाने का मज़ा ही कुछ और है और बारिश में नहा के यहाँ पे मैं अब आ गया हूँ। और देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले स्लीव लगा लेनी है। आप सिंगल स्लीव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सेफ्टी बरतना चाहते हैं आप डबल लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी जो वायर है होती है स्लीव के अंदर, वो कई बार हीट होने की वजह से वो गर्म हो जाती है और शॉर्ट हो जाती है। ऐसे में डबल स्लीव का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं जल्दी से बाद के दिखा देता हूँ, आप और भी ज़्यादा सफाई से अच्छे से इसको सेट कर सकते हो कॉयलों को और किसी भी तरह से अच्छे से बांध सकते हो। तो इसमें जल्दी से मैं धागा मार लेता हूँ ऐसे ही। तो इसको अच्छे से सेट वेट करके आपको धागा मारना है, ठीक है। और फिर दो तार रनिंग के, दो स्टार्टिंग के, एक एक रनिंग स्टार्टिंग का लेके कॉमन बना लीजिए और मोटर को फिट कर लीजिए। और रेड तार में कैपेसिटर लगा लीजिए, ब्लैक में कैपेसिटर लगा लीजिए और रेड में और कॉमन में आपको करंट देना है। अब हमारी मोटर हम आपको चला के दिखाते हैं फिट करने के बाद। अब हमने मोटर को यहाँ पर रखा हुआ है और हम मोटर का तार हमने चार का ही फिलहाल कैपेसिटर लगाया, आपको छः का लगा लेना है। अगर चार में ये डाटा जो मैंने बताया था इसका चार में ही बहुत अच्छी स्पीड देगा, तो बहुत अच्छा आरपीएम दे रहा है दोस्तों। 240 की मोटर है, बहुत अच्छा आरपीएम दे रहा है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कहना चाहते हैं किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।